70 साल बाद गंगा नदी में मिला ये अजीबोगरीब सांप। गंगा एक नदी है जिसे नदी के बजाय एक माँ की स्थिति दी गई है। नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के तहत सर्वेक्षण के दौरान एक अजीब सांप था। एक सर्वेक्षण के दौरान गंगा के दुर्लभ प्रजाति सिबोल्ड स्मूथ सीलड वाटर सांप 70 साल बाद उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के इंद्र राजहार के पास देखा गया है। सर्वेक्षण टीम के वरिष्ठ वैज्ञानिक ऐसे हुसैन ने कहा कि यह सांप गंगा के जैव विविधता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह निश्चित है कि इस वजह से गंगा की बिगड़ती जैव विविधता को बहाल किया जा सकता है। सवे दल में शोधकर्ताओं आफ्ताब आलमन उस्मानी, नरेंद्र मोहन, गौरव चंद्र दास और बिदुपन बरुआ शामिल हैं। हुसैन ने कहा कि 570 किलोमीटर के सर्वेक्षण में चिकना लेपित ओटर भी खोजा गया था, लेकिन कई वर्षों से यह प्रजाति गंगा में सर्वेक्षण में नहीं मिली थी। इसके अलावा गंगा के आसपास के द्वीपों में रहने वाले पक्षियों की कुछ प्रजाति भी इस सर्वेक्षण में पाए गए हैं। अब कानपुर से सुंदरबन में एक सर्वेक्षण किया जा रहा है जिसमें गल्फ में डॉल्फिन, घुरियल, एक्टोमन, मगरमच्छ, सांप आदि की मौजूदगी का पता चल जाएगा। लाइक, कॉमेंट एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोज़।